परफेक्ट, करीब करीब वन फिंगर उठा हुआ है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज हमारे साथ आए हुए एक पेशेंट, उनका स्कोलियोसिस है, तो हम पूछ लेंगे कहाँ रहते हैं और क्या प्रॉब्लम है उनका। एक्चुअली दो तीन सिटिंग हो ऑलरेडी सेशन हो गया, तो वो अभी दोबारा आए हैं हमारे पास, तो उनके साथ हम बात कर लेंगे कि कैसा था, अभी कैसा है, वो आप भी जान लीजिएगा। तो आपने कोथा देखे एसन? हमें शिलचर आसाम थे। শিলচর আসাম থেকে আপনার কি অসুবিধা হয়েছিল যখন এসেছিলেন? প্রচন্ড পেটে ব্যথা, সকালবেলা উঠতে পারতাম না, মোটামুটি দু তিন ঘন্টা তো আমি মানে উঠাই কষ্ট হয়ে যেত আমার, আর হেভি কাজ কিছু করতে পারতাম না, হাঁটা চলা তো পুরো বন্ধই হয়ে গেছিল, ঝুঁকতে পারছিলাম না, আর পেন মানে একটা কন্টিনিউয়াস একটা পেন থাকতো সবসময়, 365 days মানে একটা পেন থাকতো আমার। তো ট্রিটমেন্ট হলো, ট্রিটমেন্ট হওয়ার পর কতদিন ট্রিটমেন্ট হয়েছিল এখানে এসে আমার কাছে? তিনটে সিট চারটে সিটিং হয়ে গেছে। কারেক্ট, পেইনটা তো নেই, সকালবেলা আমার উঠতে এখন কোনো প্রবলেম নেই। আগে একটা ছিল কি মানে তখন একটা স্ট্রাগল করতো তো ঘুম থেকে সকালবেলা ওঠা, একটা স্ট্রাগল প্রথম দু ঘন্টা তো মানে ব্যথা ব্যথা ব্যথা, যত দিন এগোচ্ছে ব্যথাটা কমে আছে। রাইট, নেক্সট ডে সেম ব্যথা ব্যথা, এখন সকালবেলা কোনো প্রবলেম নেই, দিব্যি উঠে যাচ্ছে। রাইট রাইট, তো এখন ইয়ে আয়ে হ্যাঁ সেকেন্ড টাইম আসাম সে, তো পহলা সেশন মে চার, পহলা টাইম মে চার সেশন হুয়া থা উস ফেজ মে, তো অভি উতনা দর্দ তো অভি হ্যাঁ নেই, তো অভি হাম উসকা এক্সরে দেখ লেঙ্গে, তো ইসমে আগার আপ দেখেঙ্গে কি উনকা লাম্বার স্কোলিওসিস হ্যায়, লেফট সাইড কনভেক্সিটি হ্যায়, इसीलिए उनका राइट का इलिया क्रेस्ट जो है ऊपर उठ गया, तो हम इसको लेवल करने का कोशिश किए और इसको भी स्लाइड करने का कोशिश किए ताकि जितना स्ट्रेट हो जाए। पूरा देखिए, पूरा 100% तो संभव नहीं है क्योंकि उनका एक एज बैरियर हो जाता है, क्योंकि पूरा स्टिफ हो जाता है, तो अभी हम चेष्टा करेंगे कि 60-70-80% जितना हो सके वो शिफ्ट करके ये सीधा हो जाए। तो देखते हैं कैसे स्कोलियोसिस का ट्रीटमेंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑस्टियोपैथिक एंड कायरोप्रैक्टिक टेक्निक्स। अगर आप यहाँ पे देखोगे कि ये साइड उनका जो मसल है इट्स हाइपरट्रोफीड, बहुत ऊंचा है कंपेयर टू द राइट साइड, एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा था, अभी बहुत सीधा हो गया एकदम। यहाँ पे थोड़ा सा हमको लग रहा है कि एक कर्वेचर है, तो वो कर्वेचर को हम ठीक करने का कोशिश करेंगे, और यहाँ पे जितना ऊंचा जो एक मसल स्पैजम है वो भी हम कोशिश करेंगे ताकि वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। हम कायरोप्रैक्टिक ड्रॉप टेबल यूज़ करेंगे इसको सेट करने के लिए। यहाँ पे कॉन्वेक्सिटी हम देखे थे एक्सरे में, अभी भी है बाकी, तो हम उसको सेट करने का कोशिश करेंगे। एकदम इट वॉज पिक्चर परफेक्ट, और एक बार डन। लेफ्ट पैर उनका थोड़ा सा शॉर्टेंड है, छोटा है लेफ्ट कंपेयर टू द राइट, हम कोशिश करेंगे इट वॉज डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। परफेक्ट, इलिया क्रेस्ट टग, कम एंड टेक अ लुक नाउ, बोथ मैल्यूलाई सेम लेवल, पहले ये छोटा था अभी ये सिमिलर लेवल पे आ चुका। हम उसका उसके लिए उनको स्पेसिफिक एक्सरसाइज प्लान बताएंगे ताकि ये मेंटेन्ड रहे, अदरवाइज वो फिर से वापस चला जाएगा, सो वी विल ऑल्सो डू दैट फॉर हिम। वील डू अ लिटिल बिट मसल एनर्जी ऑन द लेफ्ट इरेक्टर स्पाइने, কোবরা পোজ বা ভুজঙ্গাসনের মতন উঠবেন, মাথার বুকটা দিয়ে হাত চেপে, পারফেক্ট, অতটুকুই। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 10 রিল্যাক্স, আগেন 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 10 রিল্যাক্স, আবার 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 10 রিল্যাক্স, আবার
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Relax. A little bit of relaxation of the erector spinae. Especially यही पोजीशन में उनका सबसे ज्यादा कर्वेचर है और उठा हुआ भी है. एक्टिव रिलीज टेक्निक बहुत हेल्प होता है मसल स्पैज़म के लिए. ये उनका नॉर्मल पोस्चर है, हम उसको करेक्ट करने के लिए बोलेंगे. आप खुद अभी देखेंगे कैसे करेक्ट हो रहा है. राइट साइड कमर तक के लेफ्ट साइड इक्वल प्रेशर, कंप्लीटली स्ट्रेट. बट आप अगर देखोगे इस तरफ आके उनका एड़ी करीब करीब वन फिंगर उठा हुआ है. एंड फॉर दैट वी विल गिव हिम सोल रेज, यानी हील रेज जो होता है इनसोल बना के देंगे, सो दैट हिज कर्वेचर इज मेंटेन एंड ही विल बी नॉर्मल. सो यहाँ पे एक सोल रेज दे देंगे एंड देन ही शुड बी फाइन विथ वॉकिंग. এখন আর কোনো ব্যথা টাথা সেরকম কিছু আছে? ব্যথা টাথা এখন কি অসুবিধা তাহলে? যে কোনো একটা মেজর অসুবিধা, সেটা মানে तो हमारे पेशेंट बोल रहे हैं जितना हो सके स्पाइन को सीधा करने का कोशिश हम करेंगे, जारी रखेंगे. उनको स्विमिंग करने के लिए बोले, एक्सरसाइज भी वो करेंगे और हमारे पास फिर से आएंगे एक डेढ़ महीना बाद एक एडजस्टमेंट के लिए. होपफुली वी विल ट्राई टू रिड्यूस द कर्वेचर एट द मैक्सिमम और फिर हम आठ महीना बाद एक एक्सरे लेंगे तो कंपेयर करने के लिए कितना वो अच्छा हुआ. सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. थैंक यू. Thank you very much. And if you have any problem with scoliosis, hyperkyphosis, toh aap bejhijak humko phone karke appointment le lijiyega. Until next time, thank you.